बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगेबान पाकिस्तान। मैं हूं आपका सोना मनमोना मुनीर शाह। क्रूशल हालात मुल्की इकॉनमी के ऊपर हमने बात करनी है, बस ब्रेकिंग न्यूज़ ही इसको समझ लें। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पार्टियां इंटरनेशनली जा रही हैं, पाकिस्तान का रियासिया अमेज वो भी ख़त्म हो जा रहा, भगा दिया इस बग़ैरत बेशरम हरामी के पिल्ले हाफज़ आसम मुनीर ने बाजवे को भगा दिया उसको बजाय अंदर करने के। अभी बात करते हैं, ये 1947 में हमने अपनी बहनों की इज्जतें लुटाई थी ना, और जाहिर ना जाए आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी, कब्रों में तड़प रही होगी वो बहने। खुदा ना हादसा, वो हमें कम से कम ये दुखता ना कि हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हरामजादे हिंदुओं ने या अंग्रेजों ने। यकीन करें अगर ये हालात रहे ना तो ये सारे अमीर हमारी बहनों को तोड़ के पसंद किया करेंगे। हमें जज पता क्या बोलेगा कि अपनी दूसरी बेटी बचाओ, इसका केस वापस ले लो, अपना दूसरा बेटा बचाओ। पहला बेटा मार दिया ना जिसने, वो दूसरा भी मार देगा। हमारे कोर्टों में ऐसा हो रहा है, कवेली में ऐसा नहीं हुआ था कि एक बेटे ने अपनी बहन के लिए लड़ा, मार दिया गया, कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उस एक गार्ड की कमीज मिली जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ, फिर उसकी माँ ने कहा था जज साहब को कि जज साहब मेरी बेटी जवान घर में बैठी हुई है, अगर मैंने यहाँ पे खड़ी ली ना वो उसको ले जाएंगे, और वो मुझे कह रहे हैं अगर तेरे घर से नंगी करके लेके जाएंगे अपने घर तक। वो माँ ने कहा था कि अगर मेरी बेटी की जमानत दे सकते हो ना और मेरी सारी उम्र की जमानत दे सकते हो तो मेरा केस आगे लेके चलो, और जज साहब चुप हो गए, जवाब नहीं था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज एक औरत को जिसके साथ ये हुआ वो ताकत नहीं दे सकता, उसको हौसला नहीं दे सकता, उसकी हिफाजत नहीं करने का ऑर्डर दे सकता, तो हम कौन से इंसाफ में लेके बैठे हुए, हम इनके खिलाफ लड़ सकेंगे? ये हमजा शहबाज दूसरे तीसरे, हमें नहीं याद के इस मुल्क में कैसे मुकाबले होते। मैं छोटा सा था, सुनते थे आबिद बॉक्सर और फला फला मुकाबला किया बंदा, खैर आज वो नहीं है इस बंदे की वजह से। इसलिए थोड़ी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए थोड़ी कि हमारे पास आईफोन आ गया 2-2 लाख रुपए का, इसलिए कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ वही है सिर्फ इस ये इमरान खान के घर के बाहर बंदा आया तो वो अपने जज्बात सेंटिमेंट बयान कर रहा था। तो ये बयान हमने करना है जी, जो एलसियां खुली थी वहाँ पे पाकिस्तान की प्याज टमाटर अदरक मंगवाने के लिए, वो तो गल सड़ गया ना, मछलियों ने भी नहीं खाना, वो ऐसा अदरक प्याज मिला है उसका। जो दूसरे एंड पे एलसी के था जिस जो एक्सपोर्टर था, हम तो इम्पोर्टर थे ना पाकिस्तान, जो एक्सपोर्टर था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया है, ये कल की खबर है कि हमारा उधर ये है और बराए मेहरबानी हमें पाकिस्तान से पैसे दिलवाए जाएं, क्योंकि ये हाफिज़ साहब उसी बाजवे के ही लेके गंद टोकरा उठा के तो गली गली बेचते फिर रहे। ये बहुत दुख हुआ, लोगों को नहीं पता कितनी बदनामी होगी, वहाँ पाकिस्तान को नोटिस आएगा। 64 अरब रुपया हबीब बैंक का साके डॉलर ने जुर्माना करवाया था फिगर फजिंग के वजह से, लॉबिंग फर्मों को 14-14 अरब रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन काम वो कुछ और कर रही। और ये बढ़वा इमरान खान बता रहे जी बाजवे ने रख लिया था, वो फलाना तो उसाया ना कानी तो तू तो छोटी मोटी देन बैठा रख लिया था, कोई भी इतनी सी जो साफ बात है ना जो उसने अच्छा काम किया खुद खुद बताता, तो जो बुरा बाजवे के खाते में डालता है, तू किस मर्ज की चीफ एग्जीक्यूटिव था तू, वैसे तो था करता चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था, तो वो जो बाइडन ने खत किसको लिखा था, फिर खत किसको लिखा था, चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था, तो बड़वे तू ही था चीफ एग्जीक्यूटिव, ये जो कुछ हो रहा था तू या तो रिजाइन करता तो या उसको डिसमिस करता, 4-5 जर्नलों को अब कह रहे 4 है तो 5 है तो वगैरह। नबील का बोल, वैसे तो गन की हर वक्त गन रखता तो गार्ड चढ़ गए, वो कब्जा ग्रुप जो ले आ रही है उसको लितर पोला हुआ है। Oh!
इस तरह ही करना पड़ेगा, जो आए आपके इलाके में इस तरह करे। अब खुद ही जा रहा है, चलो जी मैंने इनको माफ किया, जब देखा कि पूरे इलाके में ये हो गए तो जरदारी ने जाका तूने तो बढ़वाया, जितना कोई नहीं हमारी एक सीट भी तू जाया करेगा, तो ये जा उनको माफ कर छुड़वा थाने से। वो कह रही जी पर्चे चले गए, मजिस्ट्रेट करेगा वगैरह वगैरह, आज ही छूट जाएंगे। एक और आपको दिखाना है, आज भी भुट्टो जिंदा है, ये जो इस हो रहा था इसको। आज भी ये लोग मोटी नहीं देते है, कभी देते है कभी नहीं देते है, और ये लोग मारपीट कर रहे हैं, रात को मारेगा दिन को मारेगा। खुदा का वास्ता था मेरे को हेल्प करो, खुदा का वास्ता था मेरा जान छुड़वा दो, खुदा का वास्ता था। अमरीकी सेनेटर जो है ना, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि आर्मी ये क्या करवा रही है, क्या कर रही है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है वगैरह वगैरह। इस आर्मी का हमने क्या करना है कि जहाँ पे बंदा जरदारी के डेरे पे पड़ा हुआ, इंटेलिजेंस क्या करना, वो सिर्फ इमरान खान के लिए रखी हुई। अब तो यही हाल, जो ज़रा सा भी पढ़ा लिखा उसको ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं तो इधर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वादू वादू राशन, उधर जो पाकिस्तान नज़र मारते हैं यार, हमारे जानने वाले को बेचारे को एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही। अभी तक उन्होंने पेश नहीं की, बात यहाँ ख़त्म हो गई, अभी तक सोशल मीडिया से बता रहा हूँ पेश नहीं किया उसको फवाद चौधरी को, लेकिन हो जाएगी। चलो दो चार दिन अंदर, एक दफा चला गया या दो दफा चला गया, चार दिन और रह जाएगा। अब जो मुंशी की मेन्स बन गई, ये एडवोकेट साहिबा है तो ये कहाँ तक है? राजा सिकंदर बाजवा तो भाग गया, तुझे ये छोटी सी सीट तुझे पर ये रहेगी। जिस दिन ये मार्केट में मिला तो उस दिन क्या होगा, अलमान अलफीज तेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। बाजवा तो वहाँ पे फिर, ये भी देख ली जाए जी, ये अपने पाँव पे खड़े हो गए, माँ माओ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हड्डी बस ऐसी होती, 50 के बाद तो हड्डी कहती मैं नहीं जुड़ना, लेकिन फिर भी ये 70 के ऊपर हो गया तो कल इसने वजन वजन डाला। बाज का ऐसी होती है तकलीफ, वो बिल्कुल नहीं होती, खासकर ये गोडा और गिच कहते ना गिटे रह गया, गिटियान पै गया, गोडे रह गए, ये इंसान का सारा स्ट्रक्चर मर्द का खासकर इसी पे ही होता है। तो यहीं के अगर यहीं से नहीं उसका चलना तो फिर क्या बनेगा। इसको जोड़ों को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो उसका ये चलता रहा। कैन नॉट एक शख्स ने अदालत में जमानत दी कि मेरा भाई इलाज करवा के 6 हफ्तों में वापस आ जाएगा, मरीज इश्तियारी हो गया, जमानत जब्त हो गई, और उस जिस शख्स ने जमानत दी थी उसको बाजवे ने वजीर आजम पाकिस्तान लगा दिया। एक ये फोटो देख लो जी, कल सोशल मीडिया पे थी कि इतने सारे तमगे लगाए हुए, काश इसमें कोई गैरत का तमगा भी होता, गैरत का। इसने वो लगा ही दिया जी, अपना बेली लगा दिया, चीफ मिनिस्टर जो साथ उम्रे करने जाता था बेली था ना। कल शाम के वक्त, पाकिस्तानी शाम के वक्त, यूरो जो था ओपन मार्केट में 283 का था, मैं स्पेशल ये लाया, ये ला वेस्टर्न यूनियन का, ये है कि किसी को राशन के पैसे भेजने थे तो कहीं से आए थे, मेरी बेटी ने दिए थे तो वो फिर मैं भेजी, तो 283.14 ये रेट मिला है, बहुत बहुत आई।
यूरो का, डॉलर की बात नहीं कर रहा, ये यूरो की बात कर रहा हूँ। एक और इस बड़वे की भी सुन लेना, उस वक्त किस तरह कर रहा था, अब ये किधर गया, तो आपको वो थोड़ा सा सुना देते हैं इसकी, ये क्या मार रहा है, बढ़ के इसकी मार रहा था। मुझे अफसोस होगा, मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, मुझे अफसोस होगा क्यों आप इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये इससे आगे नहीं गए थे, इसमें बैठे हुए थे अपने जस्टिस गुलजार साहब और अतर मिनल्ला, ये दो